नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जयराम ठाकुर मंत्रिमंडल ने घटाया न्यूनतम बस किराया, बागवानों को राहत के साथ नौकरियों की बरसात। उर्मिल ठाकुर चेतन बरागटा की घर वापसी, राकेश चौधरी जोगेंद्र पंकु भी भाजपा में शामिल। पुलिस भर्ती में हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, पॉलिटेक्निक का 3 साल का डिप्लोमा प्लस 2 के बराबर। ज्वाइनिंग गेट से सीनियोरिटी का लाभ मांगने मुख्यमंत्री के घर पहुंच गए कर्मचारी। एसएनसी टीचर्स को भी कैजुअल मेडिकल लीव, सीएम के आश्वासन के बाद शिक्षक संतुष्ट नहीं। कुल्लू में फटा बादल, घरों में घुसा मलबा, ग्रामीणों ने भाग कर बचाई जान। सावन अष्टमी नवरात्र मेले पर शक्तिपीठों में तैनात किए जाएंगे 1100 जवान, मालवाहक वाहनों में सवारियों पर रोक। प्रदेश के 11000 स्कूलों में मनाया जाएगा आजादी का अमृत महोत्सव, शहीदों के परिवारों को मिलेगा सम्मान। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में न्यूनतम किराया घटाने पर फैसला हुआ, जबकि इसी दौरान बागवानों को कार्टन रेट पर बड़ी राहत दी गई है। इसके अलावा विभिन्न पदों को भरने समेत कई बड़े फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें न्यूनतम बस किराया कम करने पर फैसला हुआ। बैठक में कैबिनेट ने सबसे पहले 2 किलोमीटर तक न्यूनतम बस किराया वर्तमान 7 रुपए से घटाकर 5 रुपए करने को स्वीकृति दी। यह फैसला HRTC और प्राइवेट बस ऑपरेटर दोनों पर लागू होगा। वहीं कैबिनेट ने बागवानों और फल उत्पादकों को राहत प्रदान करते हुए 15 जुलाई 2022 से HPMC के माध्यम से बिकने वाली राहत पैकेज सामग्री कार्टन और ट्रे की खरीद पर 6% उपदान प्रदान करने का निर्णय लिया। इसके अलावा कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संशोधित वेतनमान योजना को लागू करने का भी ऐलान किया। वहीं नौकरियों की बात करें तो मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में बेलदार के 452 पदों को पंप ऑपरेटरों में बदलने और 31 दिसंबर 2020 तक 12 वर्ष या इससे अधिक नियमित सेवा काल पूरा कर चुके जलरक्षकों जिन्होंने शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं की है उन्हें विभाग में शामिल करने का भी निर्णय लिया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन और गैर राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 780 आशा वर्कर नियुक्त करने का फैसला लिया। साथ ही कमला नेहरू राज्य अस्पताल शिमला के नवनिर्मित मातृ एवं शिशु देखभाल विंग के लिए विभिन्न श्रेणियों के 164 अतिरिक्त पद सृजित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा लोकल ऑडिट विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 54 पद और नए पुलिस जिला नूरपुर के लिए विभिन्न श्रेणियों के 39 पद सृजित करने की भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। पूर्व में भाजपा से बाहर हुए भाजपा नेताओं ने दोबारा पार्टी ज्वाइन कर ली है। इनमें कांग्रेस में जाने वाली उर्मिल ठाकुर व उपचुनावों में बतौर आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले चेतन बरागटा जैसे नाम शामिल हैं। कुल 4 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 नेताओं ने भाजपा में घर वापसी की है। इसमें हमीरपुर से स्वर्गीय जगदेव चंद ठाकुर की बहू उर्मिल ठाकुर, जुब्बल कोटखाई से नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा और धर्मशाला से गद्दी नेता राकेश चौधरी शामिल हैं। शाहपुर जिला परिषद से जोगेंद्र पंकू भी भाजपा में आए हैं। पूर्व CPS व हमीरपुर से विधायक उर्मिल ठाकुर, चेतन बरागटा, जुब्बल कोटखाई, राकेश चौधरी धर्मशाला और जोगेंद्र पंकू जिला पार्षद शाहपुर भाजपा में शामिल हुए हैं। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व विधायक उर्मिल ठाकुर कांग्रेस में चली गई थी, जबकि नरेंद्र बरागटा के बेटे चेतन बरागटा ने जुब्बल कोटखाई में हुए उपचुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ा था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। अब घर वापसी पर पार्टी में सभी नेताओं ने उनका स्वागत किया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि इनके शामिल होने से भाजपा को मजबूती मिलेगी और हम आक्रामक तरीके से चुनाव की तरफ बढ़ेंगे। प्रदेश हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए पुलिस भर्ती के लिए पॉलिटेक्निक से प्राप्त 3 वर्ष के सिविल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा कोर्स को प्लस 2 कला वर्ग के समकक्ष माना है। कोर्ट से इस मामले से जुड़े याचिकाकर्ता को पुलिस भर्ती में शामिल करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने मैट्रिक के पश्चात पॉलिटेक्निक कॉलेज से प्राप्त 3 वर्ष के सिविल इंजीनियर के डिप्लोमा कोर्स को प्लस 2 कला वर्ग के समकक्ष मानते हुए
प्रार्थी को कांस्टेबल के पद के लिए कंसीडर करने के आदेश जारी किए हैं। न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने अमन शर्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश पारित किए हैं। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में 1,243 पुलिस कांस्टेबल के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया था। प्रार्थी ने पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन किया था। पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए न्यूनतम योग्यता प्लस टू रखी गई थी। प्रार्थी के अनुसार उसके 3 वर्ष के सिविल इंजीनियरिंग वाले डिप्लोमा को प्लस टू के समकक्ष नहीं माना जा रहा है। प्रार्थी ने इस बाबत 22 जनवरी को जारी राज्य सरकार की अधिसूचना का हवाला देते हुए न्यायालय को बताया कि इस अधिसूचना के मुताबिक 3 साल के सिविल इंजीनियरिंग कोर्स को जमा 2 कला वर्ग के समकक्ष माने जाने के आदेश जारी किए गए हैं। चुनावी साल में लाखों मुलाजिम उनकी मांगे पूरी होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे विभिन्न माध्यमों से सरकार तक उनकी आवाज भी पहुंचा रहे हैं। अनुबंध से नियमित कर्मचारी तो मांगे मनवाने के लिए सीएम के घर तक पहुंच गए। पेश है ये रिपोर्ट। नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता का लाभ मांगने अनुबंध से नियमित कर्मचारी गुरुवार को सीएम आवास पहुँच गए। कर्मचारियों ने इस दौरान प्रदेश भर में करीब 70,000 कर्मचारियों के साथ अन्याय की बात कही। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा कि पिछले 4 साल से प्रदेश के हर कोने से वरिष्ठता की मांग उठाई गई, लेकिन अभी तक यह मांग पूरी नहीं हो पा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मुनीश गर्ग की अगुवाई में अनुबंध नियमित कर्मचारी संगठन के पदाधिकारी सीएम आवास पहुंचे थे। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 2008 में पहली बार तत्कालीन भाजपा सरकार ने लोक सेवा आयोग अधीनस्थ चयन बोर्ड की तरफ से भर्ती और पदोन्नति नियमों के अंतर्गत कर्मचारियों को अनुबंध आधार पर नियुक्त किया। कमीशन पास कर्मचारियों को प्रदेश के इतिहास का सबसे लंबा अनुबंध काल दिया गया। उसके बाद आई सरकारों ने अनुबंध अवधि को कम किया, लेकिन कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि से अपना कर्मचारी नहीं माना। उन्होंने कहा कि सरकार कर्मचारी के सेवा की गणना उसके नियमितीकरण से कर रही है, ना कि उसकी प्रथम नियुक्ति से। यह लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा बोर्ड जैसी संवैधानिक संस्थाओं की मान्यता पर प्रश्न चिन्ह लगने जैसा है। अरसे से नियमित होने की आस लगाए बैठे एसएमसी शिक्षक गुरुवार को मुख्यमंत्री से मिले। इससे पहले उन्होंने सचिवालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सीएम ने विभिन्न लाभ देने के साथ उन्हें रेगुलर करने सहित समस्याओं को जल्द हल करवाने का भरोसा दिलाया, लेकिन एसएमसी शिक्षक उनके आश्वासन से संतुष्ट नहीं दिखे। प्रदेश के स्कूलों में 10 सालों से सेवाएं दे रहे शिक्षकों को अब कैजुअल लीव और मेडिकल लीव मिलेगी। अगली कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव लाया जाएगा। गुरुवार को सचिवालय के बाहर पॉलिसी न बनाए जाने का विरोध कर रहे एसएमसी शिक्षकों से बातचीत करने आए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ये ऐलान किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पूर्व सरकार में एसएमसी शिक्षक भर्ती हुए थे, लेकिन एसएमसी शिक्षक वहां सेवाएं देते रहे जहां अध्यापक सेवाएं नहीं दे पा रहे हैं। सरकार ने उनके लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी और सरकार ने इस दिशा में काम किया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिक्षकों के लिए बीच का रास्ता निकाले। 2 माह के भीतर सरकार इस मुद्दे का भी स्थायी समाधान ढूंढेगी। शिक्षक सरकार पर भरोसा रखें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त तक एसएमसी शिक्षकों को उनकी समस्या का स्थायी हल देने की भी बात कही है। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी एसएमसी शिक्षक संतुष्ट नहीं हुए। इस पर सीएम ने कहा कि अगर उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं था तो उन्हें यहां आना ही नहीं चाहिए था। भारी बारिश के कारण कुल्लू में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। चुनाईगाट गाँव के कई घरों में मलबा घुस गया। इस दौरान ग्रामीणों ने भागकर अपनी जान बचाई और कई घरों को खाली करवाया गया। जिला कुल्लू में बादल फटने का क्रम जारी है। आज सुबह भारी बारिश होने के चलते जिला कुल्लू के तहत निर्मण के बागी पुल के पास बागा सराहन पंचायत के गांव चनाईगाड में बादल फटा। बादल फटने से पहाड़ी के नीचे बसे गाँव के कई घरों में मलबा घुस गया। इस दौरान लोगों ने भाग कर अपनी जान बचाई। वहीं बादल फटते ही गाँव में अफरा तफरी का माहौल बना और घरों को खाली करवा दिया गया। लोग सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी प्रशासन को दी है। सुबह ठीक 5 बजे बादल फटने की घटना पेश आई है। 26 लोगों को वहां से सुरक्षित निकाला गया है। कुछ लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं रिहायशी मकानों के साथ सेब बगीचा व उपजाऊ भूमि को भी भारी क्षति पहुँची है। देवभूमि के 5 शक्तिपीठों में कल से शुरू हो रहे सावन अष्टमी नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का पहरा सख्त रहेगा। पुलिस टीमें सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से पैनी निगाह रखेंगे। साथ ही नवरात्र मेले में मालवाहक वाहनों में सवारियां लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
प्रदेश के 5 शक्तिपीठों में शुक्रवार से शुरू हो रहे सावन अष्टमी नवरात्र मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस का पहरा रहेगा। शक्तिपीठों में मेले के दौरान पुलिस टीमें सीसीटीवी और ड्रोन के माध्यम से पैनी निगाह रखी जाएगी। नवरात्र मेले में मालवाहक वाहनों में सवारियों को लाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। बाहरी राज्यों से मालवाहक वाहनों में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रदेश की सीमा पर ही रोक दिया जाएगा। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। शक्तिपीठों की सुरक्षा में IRBN सहित जिला पुलिस और होमगार्ड जवानों समेत करीब 1100 जवान तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा शक्तिपीठों में कमांडो और QRT की टीम भी तैनात की गई है। TMT प्लस वाटर टैंक की दीवारें मोटी परत की होने के कारण मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम सर्दी या गर्मी में भी वाटर टैंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। पहले अगस्त को प्रदेश के 11,000 स्कूलों में भारत माता का पूजन और शहीदों का सम्मान कार्यक्रम होगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। इस दौरान बच्चों को राष्ट्र प्रेम और प्रदेश की संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। वंदे मातरम के साथ रैली भी निकाली जाएगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ 1 अगस्त को आजादी का अमृत महोत्सव मनाएगा। 1 अगस्त को प्रदेश के 11,000 स्कूलों में भारत माता का पूजन और शहीदों का सम्मान कार्यक्रम होगा। इसके साथ ही 1,000 कॉलेज भी इसमें कवर होंगे। अखिल भारतीय शैक्षिक संघ के सचिव पवन मिश्रा ने बताया, इसमें प्रदेश के 11,000 स्कूलों में भारत माता के चित्र पहुंच चुके हैं। इसमें बच्चे देश और प्रदेश की संस्कृति के बारे में जान सकें, यही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसमें बच्चों को 75 साल के भारत के इतिहास के बारे में बताया जाएगा। वंदे मातरम के साथ इस दौरान स्कूलों तक एक रैली भी निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि पहली बार देश और प्रदेश स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। मैं पवन मिश्रा, अखिल भारतीय सचिव, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, 1 अगस्त 2022 को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे भारतवर्ष में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की प्रेरणा से चला है, जिसमें 3 लाख विद्यालयों में हम एक दिन भारत माता का पूजन और शहीदों का सम्मान ऐसा कार्यक्रम करेंगे। लगभग 1,000 महाविद्यालयों में और 136 यूनिवर्सिटी में इन विषयों पे इंडिया से भारत की ओर ऐसा एक सेमिनार 2 दिवसीय करेंगे। 1947 का पहले का या बाद का जो भी शहीद परिवार बचा हो उसका जो है वहाँ पर सम्मान किया जाएगा, और कैसे उनके बच्चे ने, उनके पिता ने देश के लिए हस्ते से बलिदान दे दिए, क्या भाव रहा होगा राष्ट्र के प्रति, उसको भी वहाँ पर उसके विचार रखे जाएंगे। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स डांस हिमाचल डांस सीजन 8 ब्रॉट यू बाय अर्न यूनिवर्सिटी ग्रैंड फिनाले ऑन 6 अगस्त 2022 एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला ऑडिटोरियम। ग्रैंड फिनाले की जज होंगी मानसी पठारे, सीनियर कोरियोग्राफर फ्रॉम टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, 5 मेगा प्राइज TVS जुपिटर, साथ ही स्पेशल एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम अर्नी यूनिवर्सिटी। सोलो विनर को मिलेगी टेरेंस लुइस प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में स्कॉलरशिप। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र या लाइक करें डांस हिमाचल डांस का फेसबुक पेज। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। बिलासपुर के सिकरोहा में मकान की दीवार गिरने से मलबे में दबी महिला, अस्पताल में तोड़ा दम। ठियोग में जमीन धंसने से सड़क पर पलटी HRTC बस, 8 सवारियां घायल। सुंदरनगर में पुलिस ने पकड़ी अवैध शराब की 25 पेटियां, गुप्त सूचना पर दबोचा तस्कर। मुख्य सचिव की सिफारिश पर हाउस अलॉटमेंट रद्द, हाईकोर्ट ने 2 अगस्त से पहले आवंटित घर खाली करवाने के दिए आदेश। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।